जो हमने क्वेश्चंस दैट क्वेश्चंस जो है हम अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चंस हम जो है इसकी जो भी रोटेशन कर रहे थे दैट वाज अलोंग द एनी ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस. अब हमने इसको क्या क्या करना है, ये हमारे पास जैसे राइट ट्रायंगल गिवन है, वी आर टू रोटेट इट अबाउट इट्स हाइट. तो जब आप इसको हाइपो के अबाउट रोटेट करोगे, ऐसे रखूं मैं या इसको ऐसे रख के, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. एक कोण इसका ये बन रहा है, यहाँ पे बनेगा जब ये रोटेट करेगा. जब मैं इसको टर्न करूंगी, एक कोण इसका नीचे की तरफ बनेगा, यानी कि ये डबल कोण जो है दैट विल बी फॉर्म्ड व्हेन इट विल बी रोटेट. तो जब ये जो डबल कोण बन रहा है, अब हमने क्या करना है, वी आर टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट डबल कोण. अब फिगर बनाते हैं हम इसकी. तो ये साइज हमने दिया है 3 सेंटीमीटर एंड ये हो जाएगा इसका बेस बीसी. ये साइज ए होगी. जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं, दूसरा जो हमारा बनेगा वो इस साइड होगा. इसमें डी ले लेते हैं, ए डैश ले लो, जो मर्जी ले लो, डी ले लो. अब देखो यहाँ पे जो हमारे कोन बन रहे हैं वो डबल कोन इस तरीके से बन रहे हैं. तो ये कोन तो यू कैन सी वन कोन ऑन दिस साइड एंड द अदर कोन ऑन द अदर साइड. नाउ वी आर टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दीस टू कोन्स. So this is our first cone with this and these are the sides. ये हमारा दूसरा cone बनेगा. Base दोनों का same है, हम जानते हैं, और जो size है वो दोनों की different है. अब अगर मैं अपने को इस वाले पे हम part में concentrate करते हैं, तो दिस साइड इज गिवन टू बी 3, दिस इज गिवन टू बी 4, यानी कि ये वाली जो मुझे साइड गिवन होगी, क्योंकि ये मेरा एंगल 90 डिग्री का है, 90 के अपोजिट दिस वन इज द हाइपो, तो 3 4 ये साइड मेरे पास क्या आ जाएगी, 5. अब ये साइड पूरी जो है ये वाली बीसी, ये मेरे पास आ गया 5. इट मींस अब मेरे पास जो अगर मैं लेके चलूं, तो ना मेरे पास कोन का रेडियस है, ना मेरे पास कोन की हाइट है. तो मुझे पहले रेडियस और हाइट जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेंगी. गिवन क्या क्या है मुझे, साइड गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, रिवॉल्व अबाउट हाइपो गिवन था मुझे. तो वहां से मेरे पास ये टोटल जो है डबल कोन की हाइट जो है वो आ गई 5, और मुझे निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन. तो फिगर जो है सॉलिड सो ऑब्टेन विल बी अ डबल कोन. ये बन गया मेरे पास डबल कोण. चलो अब विल यू ट्राई दिस, क्या करना है हमने इसमें. देखो इस तरह का हमने पहले भी किया हुआ है कंसेप्ट. मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एओ फाइंड आउट करना है. इस वाले पे जब मैं अपने को कंसेंट्रेट करूंगी तो मुझे एओ फाइंड आउट करना है. एबीसी राइट ट्राइंगल गिवन है जिसकी साइड्स मुझे 3 और 4 गिवन है. तो इट मींस एबीसी का जो एरिया है दैट आई कैन फाइंड आउट, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दैट इज हाफ ऑफ बेस. बेस क्या लेंगे, एबी इंटू एल्टीट्यूड क्या लेंगे, एसी. एबी है मेरे पास, एसी है मेरे पास, तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है वो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर. अब सेम ट्राइंगल में हमने क्या किया, ये ए ओ जो है हमें पता है कि जो रेडियस और जो वर्टेक्स होता है कोण का, दे होगा राइट एंगल. तो ये एंगल भी 90 डिग्री है. तो अब सेम ट्राइंगल में मैं यहाँ पे हाफ इंटू इसको बेस लेके, इसको एल्टीट्यूड लेके,
इस एरिया के इक्वेट कर सकती हूँ, एंड ऑल्सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए ओ इंटू बी सी. तो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए ओ, मुझे नहीं पता कितनी है, बी सी आई नो दैट इज इक्वल टू 5. तो यहाँ से ए ओ 5 टाइम्स ए ओ बाय 2 इज दिस. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ओ आ जाएगा दैट इज 12 वाला का दोबारा बता दो. दोबारा देखो बेटे, दोबारा देखो इसको. मुझे ये ट्रायंगल गिवन है ए बी सी. ए बी सी में देखो, ये मेरे पास राइट ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं ऐसे बन रही है, दिस इज 3, दिस इज 4 और ये मुझे 5 गिवन. जब मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड लगा दिया. अब सेम ट्राइंगल में जब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, रोटेट करके मैंने इसको यहाँ शो कर दिया. जब एक ही ट्राइंगल है विद सेम साइड्स, तो उनके एरियाज जो है वो सेम होंगे, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं एक ही ट्राइंगल में. तो जब ये एरिया सेम होंगे, तो इट मीन्स अगर मैं आपको, क्योंकि ये भी मुझे परपेंडिकुलर ही बना है, एल्टीट्यूड बन रहा है, ये भी हाइट बन रही है, ये बेस बन रहा है, तो सेम ट्राइंगल के लिए मैं चाहे ये वाली साइड लेके फॉर्मूला लगा लू, चाहे मैं ये वाली साइड लेके फॉर्मूला लगा लू, द एरिया इन बोथ द केसेस विल बी सेम. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में दोनों जो है वो लगा दिए फॉर्मूले, दोनों लगा दिए. एक मैंने लगा दिया हाफ ऑफ ए बी इंटू ए सी, और दूसरा क्या लगा दिया, हाफ ऑफ ए ओ इंटू बी सी. ये लगा इस वाले ट्राइंगल का लेके एल्टीट्यूड और बेस लेके, सेम ट्राइंगल के लिए ये फॉर्मूला मैंने इसको एल्टीट्यूड और इसको बेस लेके लगाया, क्योंकि दोनों सेम ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बोथ ऑफ दीज वैल्यूज विल बी इक्वल, क्योंकि सेम ट्राइंगल का एरिया जो है वो मैं कहीं भी किसी भी तरीके से यूज करूँ तो एरिया विल बी सेम. तो फॉर्मूले मैंने उनके अलग अलग लगा लिए. एक केस में मैंने क्या किया, इसको एल्टीट्यूड लिया, इसको बेस ले लिया, और सेम एरिया निकालने के लिए दूसरी तरफ मैंने क्या किया, इसको एल्टीट्यूड लेके हाइपो को बेस ले लिया. तो दोनों केसेस में एरिया विल बी सेम. तो दोनों को इक्वेट कर दिए. यहाँ पे मेरे पास सभी वैल्यूज थी, यहाँ पे मेरे पास एक अननोन थी, तो यहाँ से ए ओ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12/5. सो दिस इज योर हाइट आ गई यहाँ से ए ओ 12/5. तो अब ए ओ क्योंकि आपका सिमिलर डबल कोन बन रहा है, तो जो ए ओ की आपकी है लेंथ है, द सेम विल बी द लेंथ ऑफ योर ओ डी. ये वाले पार्ट की जो लेंथ आएगी दैट विल ऑल्सो बी सेम, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है. जो मैंने ऊपर रोटेट की थी सेम ही नीचे आ रही है, तो जो इस केस में हाइट होगी सेम विल बी द हाइट ओवर. तो ए ओ अगर मेरे पास 12/5 आई है, तो सेम लेंथ ऑफ ओ डी. कितना नोट डाउन कर लो, फिर वॉल्यूम इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे. ए ओ 12/5, तो ओ डी इज ऑल्सो 12/5. फाइंड आउट द वॉल्यूम. If anyone is having any doubt, you can raise your hand and ask your doubt. I will answer to those who will be having any doubt. AO और OD आपका क्योंकि सेम कोण का रेडियस बन रहा है, दोनों कोण के जो आपके रेडियाई हैं वो सेम हैं, तो वैल्यूज ऑफ AO एंड OD विल बी इक्वल. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में वी आर टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस डबल. देखो जहां पे तो आप लोग देख सकते हो अलोंग द अबाउट द साइड परपेंडिकुलर लेग्स जो है उसके अबाउट अगर आप रोटेट करते हो,
उस केस में ये सब हमें फाइंड आउट नहीं करना पड़ता, दिस ओनली वी हैव टू फाइंड आउट व्हेन द ट्रायंगल विल बी रोटेटेड अबाउट अबाउट इट्स हाइपो। तो जब हाइपो के अबाउट उसको रोटेट करोगे तो दो कोन बनेंगे, अगर इसको हम एक साइड के अबाउट रोटेट करते हैं तो सिंगल कोन बनता है। इसी हिसाब से अब वॉल्यूम डबल कोन फॉर्म इज इक्वल टू, क्योंकि दो कोन बन रहे हैं तो अब हमने क्या करना है, दो कोन के लिए जो है इनको ऐड कर देना है दोनों कोन के वॉल्यूम। फर्स्ट कोन जो है हमारा, इनके हम जो है अलोंग के नेम्स दे सकते हैं, फर्स्ट कोन जो है हमारा दैट विल बी ए बी एंड डी, और जो सेकंड कोन है दैट इज ए सी एंड डी। तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोन ए बी डी एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, 1/3 πr² ए बी डी के लिए, ए बी डी के लिए दिस ए ओ इज रेडियस एंड ई इज हाइट, तो दिस इज 1/3 πr² दैट इज ए ओ का स्क्वायर इनटू हाइट इज डी ओ, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन ए सी डी के लिए 1/3 π, रेडियस क्या है इसके लिए अगेन ए ओ ले लो या ओ डी ले लो, एक ही बात है, मैं ए ओ भी ले लेती हूँ यहाँ पे, एंड साथ में क्या आया प्लस हाइट ऑफ द कोन है ओ सी। अब 1/3 π ए ओ स्क्वायर दोनों में कॉमन है, इसको मैंने बाहर ले लिया और रह क्या गया बी ओ इधर से और इधर से ओ सी और बीच में साइन प्लस। अब बी ओ प्लस ओ सी, दिस इज योर बी ओ दिस इज योर ओ सी, तो बी ओ प्लस ओ सी इज टोटल बी सी, जिसकी वैल्यू मुझे पता है 5। अब मेरे पास ये सारी वैल्यू आ गई यहाँ पे, अब कुछ करो ए ओ वी हैव कैलकुलेटेड एज 12/5 इन टू बी सी इज 5, कैंसिलेशन करो सिंप्लीफाई करो एंड यू विल गेट योर आंसर। चाहे तो आप आंसर अपना पाई की फॉर्म में भी दे सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव इन दिस फॉर्म आल्सो। So 1/3, 22/7 into 12/5 into 12/5 into 5. अब हमने simplify करना है इसको, do your calculations and tell me the answer. 22/7 को if you don't want to put calculations में तो you can use it as pi also. Pi की value नहीं भी put करोगे then also your answer will be correct. Be quick in your calculations. बस यहाँ आपने ध्यान रखना है क्योंकि हम हाइपो के अलोंग इसको रोटेट कर रहे हैं तो डबल कोन विल बी फॉर्म्ड। इफ यू विल रोटेट इट अबाउट योर साइड्स परपेंडिकुलर लेग्स के अबाउट रोटेट करोगे या परपेंडिकुलर साइड्स भी वर्ड आ सकते हैं देन सिंगल कोन विल बी फॉर्म्ड, फिर उसमें ये मेथड आपका यूज नहीं होगा। जस्ट अ मोमेंट दिया, यस बच्चे मैम 30.17 ओके रमनीक सेम है बच्चे आंसर, यस मैम 30.17 सेंटीमीटर ओके। पनिका यू हैड आल्सो रेज योर हैंड, इज योर आंसर सेम, शो मी अ थंब इफ इट इज सेम, ओके फाइन थैंक यू। सो दिस वन इज 31.7 एंड व्हाट विल बी द यूनिट अर्चिता, यूनिट यस रमनीक मैम सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि वॉल्यूम है तो यूनिट विल बी सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज योर क्वेश्चन
बस ध्यान देना है, डबल कोन है, डबल कोन के केस में ना मेरे पास इसका रेडियस है ना मेरे पास इसकी हाइट है, तो रेडियस और हाइट जो है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रेडियस आपका हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द इस वाले फाइंडर को यूज करेंगे, या नीचे वाला भी आप कर सकते हो क्योंकि दोनों की जो डायमेंशन है वो सेम है। इस वाले ट्राइंगल में हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया, दो बार फॉर्मूला लगाया हमने, एक बार इसको बेस और इसको हाइट लेके क्योंकि राइट ट्राइंगल गिवन है। यस बच्चे, मैम आंसर 30.717 आ रहा है। 30.17 दिया, इज इट सेम 30.17? यस मैम 30.17। ओके ओके फाइन, सो दिस इज 30.17, मेक द करेक्शन ओवर हियर बच्चे, this is 30.17। so हमने क्या किया, एक बार इसको बेस इसको परपेंडिकुलर लेके एरिया फाइंड आउट किया, देन इस वाले ट्राइंगल में BC को बेस और इसको हमने एल्टीट्यूड लेके इसका एरिया फाइंड आउट किया। दोनों एरियाज क्योंकि सेम उसके ट्राइंगल के थे, दोनों को इक्वेट किया, वहां से हमारे पास AO की वैल्यू आ गई। AO जो है दैट इज द रेडियस फॉर बोथ ऑफ द कोन्स, सेम OD की वैल्यू आएगी, दोनों में से जिसको मर्जी आप यूज कर लो। उसके बाद हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी थी, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 πr²h, एक कोन आपका ये वाला बन रहा है इस साइड पे, एक कोन आपका इस वाली साइड पे बन रहा है, ये ध्यान देना है क्योंकि दोनों की जो आपकी स्लांट हाइट होती है वो सेम है, तो आपने कोन जो है वो ऐसे शो नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों की सेम कोन के अंदर स्लांट हाइट जो है वो सेम होती है। तो ये 4 और ये भी 4, ये 3 और ये भी 3, इन केस अगर आप इसको ऐसे डबल कोन शो कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इधर स्लांट हाइट आपकी 4 आ रही है, इधर 3 आ रही है, तो कोन में ऐसे नहीं होता। तो थोड़ा सा स्मार्टली जो है आपको एडिट करना होगा, ये चीजें कॉमन सेंस वाली हैं, तो ये जो है आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सो दिस वाज योर क्वेश्चन, इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस यू कैन आस्क फॉर, अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके फाइन, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो अब हम क्वेश्चंस करेंगे दैट विल बी द क्वेश्चंस ऑफ स्फीयर। स्फीयर के अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं, सेम सिंपल से हम स्टार्ट करेंगे। डबल कोन वाले में बेटे यू कैन डू द प्रैक्टिस बाय टेकिंग दीज टू वैल्यूज जो भी हैं, आप पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट वाली बनती है उसमें जो स्मॉलर वैल्यूज होती हैं वो लेके करोगे, बड़ी वाली साइड विल गिव यू द हाइट। तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यू कैन फ्रेम द क्वेश्चन योरसेल्फ आल्सो। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हमें देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ये आपका बीच में ही एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस हैं, जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस हैं दैट आई एम स्किपिंग, वो मैं नहीं करवा रही हूँ। फर्स्ट जो हम कर रहे हैं टाइप वो अगेन इसी तरीके से बनेगी कि ये अगर हमें गिवन है उसको इतने परसेंट से हम इंक्रीज कर रहे हैं तो व्हाट विल हैपन। मुझे यहाँ पे गिवन है डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट डज इट कर्व्ड सरफेस एरिया इंक्रीज। अब मुझे गिवन है डायमीटर को इंक्रीज किया हमने ऑफ अ स्फीयर और उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है मुझे वो बताना है कि कितने परसेंट से जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है दैट विल बी इंक्रीज्ड। तो अगर ये एकदम जो मैं आप सिंपल भी बनाओगे, ये अगर मुझे स्फीयर गिवन था इसका डायमीटर हमने इंक्रीज किया 25%, यानी इसका 1/4 जो है वो रेडियस बढ़ा, तो इंक्रीज वाला जो है वो आपका इस तरीके से बनेगा। तो ये दो शो करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यू विल टेक वन स्फीयर, पहले स्टेटमेंट लिख लो, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 25%। व
what percent does its curved surface, by what percent does its curved surface area? Curved surface area ka increased percentage aapko batana hai. अब देखो हमें जो है डायमीटर कहाँ उसने इंक्रीज किया है, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि रेडियस आर है, डायमीटर टू आर, मैं आर बाई टू से कैलकुलेशन स्टॉप हो जाते हैं इसलिए रेडियस को आर रखते हैं. लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर यूनिट्स, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर हमें कुछ नहीं पता. देन डायमीटर हो जाएगा इसका 2R. अब डायमीटर 2R हो गया. अब क्या करना है हमने, वो क्या कह रहे हैं कि डायमीटर को हमने कितना इंक्रीज किया, 25% इंक्रीज किया. तो इट मींस जो मेरा न्यू डायमीटर बनेगा दैट विल बी दिस 2R प्लस 2R का 25%. अब इंक्रीज डायमीटर जो आपका ओरिजिनल डायमीटर था प्लस 25% ऑफ 2. परसेंट बताओगे तो अकाउंट में 100 आ जाएगा. ऑफ के लिए मल्टीप्लाई 2, ये 4 पे कट गया आपका, ये 2 पे कट गया, दिस इज 2R प्लस R बाय 2. एलसीएम लेके दिस विल बी 5R बाय 2 या 5 बाय 2. इतना नोट डाउन कर दो. दिस इज द इंक्रीज्ड डायमीटर. अब डायमीटर इंक्रीज हो गया, अब हमें क्या निकालना है, इंक्रीज्ड रेडियस निकालना है, क्योंकि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें आपका रेडियस यूज होना है, डायमीटर यूज नहीं होना. तो इसके साथ ही आप निकाल दोगे इंक्रीज, तो इंक्रीज रेडियस हाफ ऑफ इंक्रीज डायमीटर. So this is half of 5 by 2 R 25 by 4. तो आपका जो इंक्रीज रेडियस है वो कितना आ गया, 5 by 4 R. अब रेडियस आ गया हमारे पास इंक्रीज. अब हमने क्या करना है, इंक्रीज इन कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है. तो इंक्रीज इन कर्व्ड सरफेस एरिया जो है दैट विल बी, आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर. इंक्रीज्ड कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए यू नीड टू फाइंड आउट द ओरिजिनल कर्व्ड सरफेस एरिया आल्सो. तो पहले आप ओरिजिनल निकालोगे, साथ ही इंक्रीज निकाल के देन परसेंटेज निकालोगे, दोनों का डिफरेंस. फॉर्मूला आपको पता है फ्रॉम जूनियर क्लासेस, यू आर यूजिंग दिस. तो पहले आप निकालोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल केस में जो हमारा रेडियस है दैट इज 5 by 4 आर. तो 5 by 4 आर आपको 4 पाई फॉर्मूले में आना ही आना है आपका. This is 5 by 4 R का रेडियस का स्क्वायर, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर. तो इसको आप सिंपलीफाई कर लोगे, दिस विल बी 4 पाई इनटू 5 R स्क्वायर बाय 16, 25 by 4 पाई R. 25 by 4 पाई R स्क्वायर. अब परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट द इंक्रीज इन सरफेस एरिया. तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया के लिए सिंपली दोनों का डिफरेंस ले लोगे. अब यहां से यू कैन सी 25 by 4 जो इंक्रीज है, न्यू वाला है वो बड़ा है इससे. अदरवाइज नहीं समझ आता तो ऐसे देख लेना, दिस इज 4 times π r² 25 by 4 इज 6 point something π r². तो इंक्रीज कर्व सरफेस increased surface area equal to new surface area minus original.
is 25 by 4 pi r square minus 4 pi r square. So this is simplified by the LCM, 25 pi r square minus 16 pi r square upon 4. So this is 5 by 4 pi r square. 9 by 4 pi r square. अभी मेरे पास इंक्रीज आ गया, फॉर्मूला हमें पता है, परसेंटेज इंक्रीज इज इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100. तो इंक्रीज्ड परसेंटेज आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हो, परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया. दैट इज इक्वल टू इंक्रीज्ड सरफेस एरिया अपॉन में ओरिजिनल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया भी लिख सकते हो, इनटू 100% में इस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 100 हम कर रहे हैं, तो दिस इज इनटू 100%. नाउ पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर. इंक्रीज्ड सरफेस एरिया जो है दैट इज 9 बाय 4 बाय आर स्क्वायर, ओरिजिनल इज 4 by r square into 100% calculations pi r square आपको cancel out हो गया, this is 100 by 16%. Points में इसको convert कर लो, you will get your answer. 900 by 16 आएगा, मैंने 100 by 16 लिख दिया है, this is 900 by 16. So convert it into decimals and that will be your answer. So पूरा पूरा ये आपका कटिंग हो रही है. So if any doubt is there, then you can ask. Okay, fine. Now moving on to the next one. Just 2 minutes are left. So ek chota sa question hum kar lete hain. इसमें भी आपके जो है वो क्वेश्चंस इस तरीके से गिवन है कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर आप दूसरा स्फीयर बना रहे हो या एक बड़े स्फीयर को आपने कट कर दिया है, तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. सो नेक्स्ट है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2r, फाइंड इट्स वॉल्यूम. अब रेडियस हमें गिवन है 2r, वी आर टू फाइंड इट्स वॉल्यूम. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डू इट एंड टेल मी द आंसर. If the radius of a sphere is 2r, then find its volume. Formula bata hona chahiye. Yes, Arshpreet. Thirty-two by three pi r cube. Okay. सिंपली फॉर्मूला बताइए मुझे स्फीयर का वॉल्यूम का. यस दिस इज 4/3 πr³. पाई 22/7 लेना है ले लो, अदरवाइज पाई की फॉर्म में ही आप इसको दे सकते हो. मैं इसको पाई ही रख रही हूँ यहाँ पे. So this is 4/3 × 8r³. So this is 32/3 r³ or units जो है that will be cubic units. So कि मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या units है. So this will be cubic units. So this was your very simple question. So rest of the questions we will do tomorrow. If anyone is having any doubt, then you can ask for the doubt. Otherwise, I'm ending the meeting. Okay.
fine, then thank you. Have a nice day.